सबसे अच्छा काम, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे या ये खोजना चाहें कि दुनिया में सबसे अच्छे काम कौन से होते हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत आसान काम है, ये खोजना, ये ढूंढना, ये पहचानना और ये जानना कि दुनिया के सबसे अच्छे काम कौन से होते हैं। दुनिया के कामों में आप ये देखिए कि जो आपके आइडियल पुरुष हैं या जो आइडियल महिलाएं हैं या जो आइडियल लोग हैं, आदर्श जो लोग हैं, उन्होंने क्या काम किया है। आप अगर ध्यान लगाएंगे और देखेंगे तो एक लेयर है ऊपर की जो एक स्पेशल काम करती है, खास तरह काम करती है। उन सारे कामों में कुछ बातें कॉमन हैं। एक तो उन कामों में इज्जत बहुत ज़्यादा है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। कितने ही लोगों का समूह हो, वो हमेशा आगे बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, आसन उनका हमेशा बीच में होगा या थोड़ा सा ऊपर होगा, या जितने भी लोग उनके आसपास होंगे सब उनको अटेंशन दे रहे होंगे, सबके हाथ पर बंधे होंगे और उनको सर या साहब कह के या मैडम कह के उनको संबोधित कर रहे होंगे। दूसरा, उनके पास पैसे बहुत होंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा, उनके पास में अगर आप देखेंगे तो पावर बहुत होगी, सत्ता होगी, पावर होगी, शक्ति बहुत होगी, लोग उनके इशारे पे दौड़ रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। इसका मतलब वो जो लोग काम कर रहे हैं वो सबसे उत्तम काम है, क्योंकि उसमें पैसा भी है, उसमें इज्जत भी है और उसमें पावर भी है, और मेहनत उसमें सबसे कम है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो हाथ पैर नहीं हिलाते। इसलिए ऐसे काम जो होते हैं वो सबसे अच्छे काम होते हैं। सबसे निकम्मे काम और घटिया काम वो माने जाते हैं जिसमें इज्जत ना हो, जिसमें पावर ना हो, सत्ता ना हो, जिसमें कोई मान सम्मान ना हो, और जिसमें पैसा बहुत कम, ना के बराबर, इतना ही हो कि बस आप जीवित रह सकें, ना अच्छी दवाई खा सकें, ना अच्छा घर ले सकें, ना अच्छा पहन सकें, ना कहीं घूम सकें, ना ही कोई ऊंचा सोच सकें। और मेहनत इतनी कि आपको सुबह उठने के बाद रात का होश का पता नहीं कि रात नींद कब आ गई, सारे हाथ पैर टूटे हुए, थके हुए, वो काम सबसे घटिया और निकम्मे माने जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसको अच्छा काम बताया है, वो करते क्या हैं। ध्यान देंगे आप थोड़ा सा भी तो आप ये पाएंगे कि वो कोई फैक्ट्री में सामान नहीं बनाते, ना ही वो कोई सर्विस करते हैं, यानी कोई सेवा का काम करते हैं, कहीं आना जाना या कोई सर्विस करना, ना ही वो व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार में भी सामान का लाना ले जाना होता है, मेहनत होती है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने पास और इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करते हैं और इन्फॉर्मेशन को बेचते हैं, यानी कि वो जानकारी अपने पास रखते हैं और पूरी दुनिया की जानकारी इकट्ठी रखते हैं, लगातार जानकारी को अपडेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, यानी नॉलेज जितनी भी है, जितनी भी ज्ञान है, उसको लगातार बढ़ाते रहते हैं और समझते रहते हैं, और अपने पीछे के परिवार से उसको लेते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं, और उसी ज्ञान को आगे वो बेचते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, टीचर का काम सबसे बढ़िया होता है। टीचर जो पढ़ता है, यानी कि जो शिक्षक है, जो शास्त्र है, जो गुरु है, वो अपना ज्ञान बढ़ा रहा है और उस ज्ञान को आगे सर्व करके पैसा भी कमाता है, इज्जत भी कमाता है, और वो ताकतवर भी रहता है, क्योंकि सब उसको गुरु जी बोलते हैं, सब उसको सर बोलते हैं, तो सारे लोग उसके एक तरह से अनुयायी होते हैं या उसके इशारों पर चलने वाले लोग होते हैं। तो वो शिक्षा ले रहा है और शिक्षा दे रहा है, यानी जानकारी ले रहा है, जानकारी दे रहा है, वो अव्वल नंबर का काम होता है। या जैसे आपने देखा होगा, आर्किटेक्ट है, वो जानकारी लेता है, जानकारी देता है। आपने देखा होगा डॉक्टर है, डॉक्टर जानकारी लगातार सीखता रहता है, और आप उसके क्लिनिक में जाएंगे तो वो आपको कोई दवाई वगैरह नहीं देगा, या दवाई देगा भी तो उसका पैसा लेगा, वो पर्चे पर सिर्फ आपका देखेगा, आपको डायग्नोस करेगा, आपको चेक करेगा, आपकी बीमारी बताएगा और अपना पैसा ले लेगा। यानी उसने जो जानकारी सीखी है वो जानकारी आगे सर्व करता है और देता है और उसका पैसा लेता है। ऐसा ही काम जो वकील हैं वो करते हैं, वकील जानकारी लेते हैं और जानकारी आगे बढ़ाते हैं। ये दुनिया के ऐसे काम हैं जिनमें ऐसे ही नेता जो लीडर होते हैं वो जानकारी लेते हैं और जो सदन में जाते हैं, हाउस में जाते हैं, जानकारी का आगे आदान प्रदान करते हैं। ये वो काम हैं जिन कामों में बहुत ना के बराबर शारीरिक मेहनत होती है, शरीर की हाथ पैरों की मेहनत बहुत कम होती है, और इज्जत, पैसा और पावर पूरा होता है। इसलिए आपने आसपास देखिए कि वो काम जो सबसे आराम का और सबसे अच्छा काम है उसको कीजिए। उसको करने से तरक्की होगी आपकी, क्योंकि तरक्की उन्हीं लोगों की होती है
जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और उसको आगे सर्व करते हैं। दूसरे नंबर पर जो काम आता है वो आता है इंडस्ट्री का और व्यापार का। इंडस्ट्री और व्यापार में एक आदमी काम कराने वाला होता है, सामान को लाने ले जाने वाला या सामान को बनाने वाला, उसकी फैक्ट्री होती है, वो अपनी दुकान का मालिक होता है, बाकी जो लेबर है वो काम करती रहती है। उसमें थोड़ी मेहनत का काम है मगर उसमें इज्जत है और उसमें पैसा भी है, सत्ता उसमें कम है यानी पावर जो है वो उसके अंदर कम होती है। आजकल तो खैर इंडस्ट्री वाले लोग और बिजनेस वाले लोग पावर भी रखते हैं और वो पावर के अंदर आ भी गए हैं, तो इससे पावर मिलती है ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो काम आता है वो सबसे घटिया काम आता है, उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा का काम, जिसमें ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपके पास में दुकान है और ना ही आपके पास में ज्ञान है, उसमें आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी और ना ही उसमें पैसा मिलेगा। पैसा ना के बराबर इतना मिलेगा कि बस आपके बच्चे लेबर के लायक कमा सकें, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपको सुविधाएं मिल जाएंगी तो फिर आप लेबर का काम छोड़ देंगे, तो आपको पैसा भी कम मिलेगा। आपके पास बीमारियां भी बहुत सारी होंगी क्योंकि आपका शरीर खराब रहता है, लेबर इतना काम करते हैं कि जितना एनर्जी और जितना ऊर्जा आपको चाहिए उतना खाना आपको मिलता नहीं, उसमें आप हमेशा किसी ना किसी के अधीन रहेंगे क्योंकि काम आपका नहीं है, काम कोई आपको दे रहा है, तो आप दूसरे की दया पर रहेंगे जो आपको काम देगा, तो आप हमेशा उसके एक तरह से स्लेव या उसके अंडर में काम करेंगे, या गुलाम भी कह सकते हैं, उसे गुलाम बनके काम करेंगे, आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। और अगर शेर को पिंजरे में बांध के अगर रोज उसको ताज़ा मांस भी दिया जाए वो तभी भी सूखा रहेगा, क्योंकि शेर जंगल में रहता है खुला तब अच्छा हेल्दी रहता है, शेर पिंजरे में कितना ही अच्छा खाना दे दें वो कभी मोटा नहीं होता। वही हालत उन लेबर की होती है जिनको पूरा खाना नहीं मिलता, क्योंकि पूरा खाना आपका राइट है। देश में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उसमें सबका बराबर अधिकार है। आपको वो काम करना चाहिए जिस काम में इज्जत हो, जिस काम में पैसा हो, जिस काम में पावर हो, उसी के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये देखा और पढ़ा और समझा और जाना कि काम छोटे बड़े होते हैं और काम से हेल्थ भी छोटी बड़ी होती है, पैसा भी छोटा बड़ा होता है, इज्जत भी छोटी बड़ी होती है, तो उन्होंने जो उनके जानकार लोग थे जिन्होंने उनकी बात मानी, जिनको हम कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर नमोशूद्राय, नॉर्थ भारत के अंदर चमार जाति के लोग, जो सेंट्रल भारत है उसके अंदर महार जाति, और जो परिया लोग हैं साउथ के अंदर वो परिया लोग, उन्होंने बाबा साहब की इस ज्ञान का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ज्ञान उनको बाबा साहब से मिलता था, नॉलेज बाबा साहब से मिलती थी, उन्होंने बात मानी और ये काम छोड़ दिए। वो काम छोड़ने के बाद में उनका मानसिक लेवल बढ़ गया, उनके पैसे उन्हें ठीक मिलने लगे, उनको इज्जत मिलने लगी और वो सत्ता की तरफ भी आगे बढ़ने लगे, और एक ना एक दिन वो आगे मुकाम पे पहुंच भी जाएंगे। जिन लोगों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी उन्हें देर सवेर बात समझ में आएगी, क्योंकि काम अगर किसी काम में अगर इज्जत नहीं है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तो वहाँ उस काम में आपका शोषण हो रहा है, क्योंकि काम कोई भी हो, आपको खाने, आपको बच्चे पालने के लिए, आपको दवाई के लिए, आपको घर के लिए, आपको अगली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए, उसको डॉक्टर इंजीनियर वकील जज बनाने के लिए, या उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए, या उसको लीडर बनाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता उतनी ही है जितनी कि एक ज्ञानवान आदमी को होनी चाहिए। वो पैसा आपको मिलेगा नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छा काम बहुत आसान होता है और बहुत बढ़िया होता है। अच्छे काम में हल नहीं चलाना पड़ता। अच्छा काम क्या है? पढ़ाई का अच्छा काम है। चार अक्षर किताबों में लिखे हुए होते हैं, जैसे बाबा साहब ने वो पढ़े और बाबा साहब दुनिया में छा गए, और जिन लोगों ने पढ़े बाबा साहब के बाद में बाबा साहब की मानी वो दुनिया में छा गए, वैसे ही चार अक्षर पढ़ने का काम सबसे आसान है। आपको लालटेन में, मोमबत्ती में, घर में, सूरज की रोशनी में, दिए में एक किताब हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। अच्छे लोगों से मिलते रहना चाहिए। अच्छे लोगों का मतलब है जिन्होंने ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं और वो जानते हैं कि ज्ञान क्या हो, उनकी संगत में बैठना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। और जितने भी काम ऐसे हैं जिनमें पैसा नहीं है, जिनमें पावर नहीं है, जिनमें इज्जत नहीं है, उनको जितना जल्दी हो सके उनको गुड बाय, टाटा, बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो काम छोड़ेंगे नहीं आप किसी भी हालत में ऊपर की स्टेज में नहीं आ सकते। इसलिए अच्छे काम कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए, दुनिया में जाइए, दुनिया में छाइए। धन्यवाद।